Yonta pravesha mamavacha mimam prasuptam Sanjeevayatta kilashatta dharasudhanga Anyasta hasta charana sravanatva gadin Pranannamo bhagavate purushaya tubhyam Bhagavan ke charano mein hum pranam karte hain और आइए असल आस्था के माध्यम से हम कृष्ण कथा भगवान की जो रसमयी कथा है उसको कृष्ण कथा श्रवण करें। सज्जनों, भगवान ने ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीला की है, मेरे कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला की। भगवान ब्रज में जैसे निवास किया, हम आप सुन रहे थे कि भगवान ने पूतना का उद्धार किया और जैसे पूतना जो है विशाल शरीर था पूतना का, भागवत में लिखा है कि 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर था, मतलब 6 कोस के अंतर्गत 18 किलोमीटर। और देखा जाए तो पूतना का विकराल रूप बाबा आनंद जब मथुरा से वापस होकर के आए तो बाबा आनंद से सारे ब्रजवासी बोले, क्यों? जिस समय पूतना को भगवान ने मारा तो भगवान पूतना के वक्षस्थल में खेल दूध का पान कर रहे थे। ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके ब्रजवासी लाला को लेकर के आए। जैसे कन्हैया को लेकर के आए तो मैया यशोदा ने लाला को जो है गोमूत्र से, पंचदब्ब से और गौ के पूछ से झाड़ा लगाया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया और सारे ब्रज की गोपियों ने कहा, अरे मैया कहाँ बात है, तुम तो जो है लाला का ध्यान नहीं देती हो। मैया ने कहा, अरे गोपी चोखो भलो पल्ला में सो रहा था, मुझे तो पतो ना है, मुझे तो कोई ब्राह्मणी लग रही थी, पतो नहीं राक्षसी कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई और कैसे प्रवेश कर गई। लेकिन ब्राह्मणों को ऐसे बात दिलाया, लेकिन मैया ने गौ की पूछ से लाला को झाड़ा लगाया। गौ गोप जो भगवान कृष्ण जो है माता गौ का पालन करते थे और गौओं से भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते थे। गोपाल, इसलिए उनको गोपाल कहते हैं। जब भगवान कहते हैं गौ माता जंगल में जब लेकर के जाते मेरे कन्हैया, गौओं के पीछे पीछे जाते हैं, मेरे कन्हैया ने देखा अनेक ग्वाल नंगे पैर चलते हैं, मेरी गौ माता के पैरों में जूतियां नहीं है तो मैं भी ब्रज में नंगे पैर ही विचरण करूंगा। इसलिए गौ माता के पूछ से झाड़ा लगाया। बाबा नंद जब मथुरा से वापस होकर के आए तो बाबा नंद से ब्रजवासियों ने कहा, बाबा देखियो ये कितनी विशाल राक्षसी, ये लाला का, क्योंकि मथुरा का वृंदावन का रास्ता अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया रास्ता। और जैसे रास्ता बंद हुआ तब तो बाबा नंद ने देखा, अरे राम राम राम, इतना विशाल शरीर भयंकर राक्षसी। तो बाबा नंद ने कहा, इसके शरीर को क्या करें भैया? तो बाबा नंद ने सबको आदेश कर दिया, अरे ब्रजवासियों जाओ अपने कुल्हाड़ी दांत हसिया धब लेकर के आओ। सारे ब्रजवासी बड़े बड़े कुल्हाड़ लेकर के आए और पूतना के शरीर को जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुंदर जो है चिता बना करके जला दिया। लेकिन सज्जनों, जैसे पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से जब चिता में से सुगंध आई, एक खुशबू आने लगी, चंदन की जैसे सुगंध आने लग गई। अब यहां पे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, राजन, सुखदेव स्वामी बोले, महाराज पूतना तो एक राक्षसी थी और पूतना के शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, खुशबू कैसे आई? ये कोई अच्छे कुल की नहीं, राक्षस कुल की पूतना, और इसका व्यवहार अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और उनका गरम गरम खून पी जाती थी, रुद्रासना खून पीती थी और राक्षस कुल की थी। लेकिन इसके शरीर से जब जलाया गया तो चंदन के समान खुशबू कैसे आई? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिसको भगवान ने स्पर्श मात्र कर लिया हो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, स्पर्श मात्र। और भगवान ने तो पूतना का दूध पिया है, जरा विचार कीजिए, दोनों हाथों से भगवान ने पूतना के स्तन को पकड़ के और प्रेम से दूध का पान किया और उस दूध पान से जो है पूतना के पाप कहां रह जाएंगे?
वो पूतना सभी पापों से जो है सभी पाप से निवृत्त हो गई, सारे पाप उसके समाप्त हो गए। और भगवान ने पूतना को पाप नष्ट करके भगवान ने पूतना को भी मोक्ष प्रदान किया। जो मुक्ति मैया यशोदा को मिलनी है वही मुक्ति आज पूतना को भगवान ने प्रदान किया। सज्जनों याद रखिए, जो भगवान के सानिध्य में पहुंच जाता है, भगवान की सेवा जो कर लेता है, भगवान को जो समर्पण हो जाता है, कोई भी आप काल कीजिए भगवान को समर्पण होना चाहिए। प्रभु प्रातः काल सुबह जो है बिल्कुल निश्चित कर लेना चाहिए, आज मुझे कौन कौन से काम करना है, सारे काम निश्चित करना चाहिए। और एक बात बता दूं, जहां हमारी सोच खत्म होती है, हमारी बुद्धि जहां खत्म हो जाती है, इसके बाद भगवान की बुद्धि प्रारंभ होती है। हमारी बुद्धि से लाख करोड़ गुना आगे है भगवान की बुद्धि, जरा याद रखना। एक बारी एक भक्त भगवान बिहारी जी के पास पहुंचा, भगवान के पास, और कन्हैया से कहने, कन्हैया प्रभु आप हमेशा मंदिर में खड़े रहते हो, कभी आप बाहर जाए करो, आपको आलस नहीं आता? आपको आलस आता होगा, आप उठ जाते होगे खड़े खड़े, और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, आप जाकर के थोड़ा घूमो। भगवान ने कहा भैया तुम यहाँ पे खड़े तो हो जाओगे लेकिन तुम संभाल नहीं पाओगे। क्यों? अरे यहाँ मुझे पता है कैसे कैसे भक्त आते हैं, तुम कैसे संभाल पाओगे? नहीं प्रभु आप जाइए, मैं संभाल लूंगा, आप थोड़े आपकी तरह खड़ा हो जाऊं, कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे आप खड़े हो जाते हो वैसे मैं खड़ा हो जाऊं, कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी आए मैं खड़ा रहूंगा। भगवान बोले भैया देख ले तू नहीं संभाल पाएगा, यहाँ पता नहीं कैसे कैसे भक्त आ जाते हैं। बोले नहीं आप जाइए मैं आपकी तरह खड़ा रहूंगा। भगवान नहीं माने, भगवान कहते अहम भक्त पराधीनम, भगवान कहते मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त अगर मेरा भोग लगा दे तो स्वीकार कर लेता हूँ, अब भगवान मेरी आरती भक्त मेरी आरती पूजा कर दे तो स्वीकार कर लेता हूँ, नहीं कुछ करते हैं तो मंदिर में खड़ा खड़ा मुरलिया बजाता रहता हूँ। आखिरकार भगवान ने भक्त की बात मान लिया और बनावटी भगवान बन के खड़ा हो गया। अब जब देखिए एक सेठ जी आए और वो सेठ जी, अब सेठ जी का क्या कहना, सेठ तो होते होते ही महान है, और बढ़िया गाड़ी में बाया और क्या बताए, बहुत पैसा वाला सेठ आया, तो आकर के भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके अपनी पर्स निकाली। अब वो पर्स जब निकाला तो उस पर्स में उसके लाल ही लाल नोट भरे थे, पहले लाल नोट चलते थे ना, 1000 का नोट बिल्कुल लाल होता, अब 2000 का नोट लाल होता, अब वो लाल ही लाल नोट भरे थे तो एक छोटी लाल होती है, छोटी लाल कौन सी, 20 की नोट। अब उसने पर्स निकाला, पूरा पर्स भरा था, देखते 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 हैं वो छोटी लाल निकाली और भगवान को चढ़ा दी। अब वो जींस पहने था, टाइट जींस होगी, जींस जींस भी आकर टाइट होगा करे ना, तो वो पर्स डालने लग गया जेब में, तो पर्स जेब में गया नहीं, वही पर्स नीचे गिर गया और हो गया। इसी बीच में एक भिखारी आता है, वो भिखारी आया भगवान के सामने रोने लग गया, हे प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे आपने दो वक्त की रोटी नहीं दी, मुझे आपने दो वक्त की रोटी नहीं दी। और ये कितना अमीर व्यक्ति था, इतनी महंगी गाड़ी में आया और क्या बात, इतना धनवान व्यक्ति, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मुझे दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते। भगवान को रोते हुए प्रणाम किया और जैसे भगवान को रोते रोते प्रणाम किया, सजनों प्रणाम करके चलने लगा, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। और जब घूम के चलने लग गया तो उसको पर्स मिल गया, और जब उसको पर्स मिला तो भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, हे प्रभु आप तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए, आपकी कृपा महान है, आपने बड़ी सुंदर कृपा किया है। और भिखारी वो पर्स लेके लंब हो गया, रुपया का भरा हुआ पर्स। थोड़ी देर में सजनों एक और आता, जरा देखना भगवान की सोच, एक भक्त और आया, उसको विदेश जाना था, उसने मन में विचार बनाया कि चल के भगवान को प्रणाम करके जाऊं, मेरी यात्रा मंगलमय होगी। भगवान को आगे प्रणाम किया तो पहले वाला जो सेठ था जिसका पर्स गिरा था वो पुलिस को लेकर के आ गया और आगे उसको बोले इस मंदिर में कोई नहीं आया, यही व्यक्ति आया है, मेरा पर्स इसी के पास है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब वो जो बनावटी बिहारी जी जो भक्त बन के खड़ा हुआ, तो उसने कहा अरे ये तो अनर्थ हो रहा है भाई, इतना कोई भी नहीं देख सकता, भगवान भी उतना नहीं सहन कर पाते। और तुरंत बोल पड़े वहीं से खड़े खड़े जो भक्त था,
अरे भैया सुनो 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 सुनो, मैं भगवान बोल रहा हूँ। अब भगवान की आवाज सुनकर सारे एकदम भगवान की तरफ देखने लगे, मैं भगवान बोल रहा हूँ। इसने पर्स नहीं लिया, बोले पर्स एक भिखारी लेकर के गया। अब उसको छोड़ दिया, भिखारी को पकड़ लिया गया। जब भिखारी को पकड़ लिया तो शाम के भगवान आए, भैया ठीक ठाक रहे? अरे भगवान बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन एक ऐसी समस्या आई, मैं तो जैसे तैसे उसका सुलझा दिया, आप होते तो आप भी परेशान हो जाते। ऐसा कैसे का गया? क्या आया? बोले सारी कथा सुनाई। भगवान ने कहा देखो किया ना तूने वही बात, मैंने उस जो सेठ था उसने कभी दान नहीं किया और उसके पास संपत्ति इतनी है कि कोई गिनती नहीं है, कंजूस इतना है कभी दान किसी को दान नहीं किया इसने उसका, और भिखारी को चार दिन से रोटी नहीं मिली थी, मैंने उसका पर्स गिरा करके उसकी भोजन की व्यवस्था किया था बिका, और उसका पैसा कंजूस धनवान सेठ का जो पैसा दान में लग जाता, और जो व्यक्ति जो विदेश जा रहा था वो विदेश जा रहा है, समुद्र में तूफान आना है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सोचा था ये जेल चला जाएगा, इसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, इसलिए मैंने वो उपाय किया था कि भूखे को रोटी मिल जाएंगे, उस धनवान का धन दान में लग जाएगा और उस विदेश जाने वाले व्यक्ति का जो है परिवार बच जाएगा, उसका परिवार सुरक्षित रह जाएगा, इसलिए तूने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तो भगवान की जो बुद्धि है, जहां हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इसके बाद भगवान की बुद्धि चलती है। इसलिए प्यारे कहते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान संपूर्ण अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है, इसलिए भगवान ने जिसके शरीर को स्पर्श किया हो, जिसके दूध का पान किया हो, उसका तो शरीर पाप क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ बचता। इसलिए प्यारे भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना को वो गति दी जो माँ को गति दी, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, तब भी ब्रजवासी जो है सारे ब्रजवासी जो है पूतना का उद्धार किया और सारे जो है कन्हैया से इतना प्रेम करने लगे, भगवान से इतना प्रेम करने लगे कि भगवान से प्रेम अटूट हुआ, अपार उनका प्रेम रहने लगा और मेरे गोविंद के छवि को देख करके, कन्हैया की छवि को देख करके सारे ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं और सब यही सोच रहे हैं कभी गोविंद का दर्शन होगा, कभी लाला का दर्शन होगा, कभी ठाकुर का दर्शन होगा, सब नंदरानी के साथ आनंद में उत्सव मना रहे हैं, मेरे गोविंद के साथ आनंदमय हो रहे हैं। और इसी प्रकार से नहीं कन्हैया एक दिन पल्ला में सो रहे थे, मैया ने एक दिन कन्हैया को जो है पल्ला पे झूला डाल दिया, सुंदर पल्ला डाल दिया और कन्हैया पल्ला पे सो रहे, सब लोग बड़े बस्ती से जो है कन्हैया का कोई गोपी जाती है झूला झुलाती है, कोई गोपी लाला की बलैया लेती है, अनेक प्रकार से कृष्ण की कथा सुन सुन कर आनंदित हो रही है। एक बारी जैसे मेरे कृष्ण जो है गोविंद आनंद पल्ला में लेटे हुए थे, उसी समय जो है त्रणावर्त नाम का आया, त्रणावर्त नाम का दैत्य आया कंस का भेजा हुआ, और त्रणावर्त जो आया तो बवंडर के रूप में आया, बवंडर के रूप में आया, बवंडर के साथ बनकर गया, तूफान के साथ आया, भगवान पल्ला पे सो रहे थे और इतना जोर से तूफान आया कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया और भगवान को त्रणावर्त लेकर के जैसे पल्ला के पास पहुंचा, भगवान ने घुमा के एक लात मारी तो भगवान ने त्रणावर्त का भी उद्धार कर दिया। मेरे प्रभु ने जितने कंस ने दैत्य भेजते गए, भगवान ने एक मां एक का उद्धार करते रहे और सबको जो है सदगति प्रदान करते रहे भगवान। इसलिए सारे ब्रजवासियों को कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा हो गया और भगवान ने थोड़ी ही देर पलकों पलकों में ही एक इशारा मात्र से सबका उद्धार करते रहे, त्रणावर्त को सदगति प्रदान कर दे। आइए आप लोग सभी इसी प्रकार से असल आस्था के माध्यम से कृष्ण कथा को श्रवण करते रहिए, आनंद लेते रहिए और सुख शांति प्रदान करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।